हेलो एंड वेलकम टू द रेसिपी बाउल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी बॉर्नविटा केक। बस कुछ ही इंग्रेडिएंट के साथ ये झटपट बनकर तैयार हो जाता है और रेसिपी भी बहुत ही इजी है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले केक को बेक करने के लिए मैं कुकर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। तो यहाँ कुकर में मैंने एक मेटल की रिंग रख दी है और साथ ही कुकर के ढक्कन पर से हमें विसल और इसके अंदर की गास्केट हमें दोनों ही निकाल देनी है। उसके बाद हम गैस ऑन करके कुकर को प्रीहीट होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ मैंने कुकर को प्रीहीट करने छोड़ दिया है और अब साथ ही मैं केक टिन भी रेडी कर रही हूँ। तो आपके पास केक टिन हो तो आप उसका यूज़ करें, नहीं तो इस तरीके का कोई भी स्टील का डब्बा आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे हमें ऑयल से ग्रीस करना है। तो यहाँ मैं इसमें ऑयल लगा रही हूँ चारों तरफ अच्छे से, और इसके साथ ही मैं इसमें रख रही हूँ बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ग्रीस किए हुए केक टिन के अंदर थोड़ा सा सूखा मैदा डस्ट करके और एक्स्ट्रा मैदा वापस से निकाल सकते हैं। उसके बाद आपका केक टिन रेडी हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ बॉर्नविटा बिस्किट, ये आपको किसी भी लोकल स्टोर पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने 100 ग्राम के दो पैकेट लिए हैं, यानी 200 ग्राम बिस्किट हमें चाहिए। तो यहाँ अब मैंने लिया है एक ग्राइंडिंग जार और बिस्किट को हमें इस ग्राइंडिंग जार में डाल देना है। तो यहाँ मैं इन्हें थोड़ा थोड़ा तोड़ते हुए इस ग्राइंडिंग जार में डालूँगी ताकि इनको पीसने में हमें प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ सारे बिस्किट मैंने तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डाल दिए हैं और अब मैं इनका एक फाइन सा पाउडर बना लूँगी। तो यहाँ मैंने इसका पाउडर भी बना लिया है और अब हम इसमें बाकी इन्ग्रीडियंट ऐड करेंगे। और अब केक के मीठेपन को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें चीनी का यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 छोटे चम्मच चीनी यूज़ की है, साथ ही मैं इसमें ले रही हूँ 1 छोटा चम्मच कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी डालने से केक में बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अच्छा टेस्ट भी इसे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद एक बार फिर से हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ मैंने इसे फिर से ग्राइंड कर लिया है। इस टाइम आप चाहें तो इसे एक बार स्ट्रेनर से छान सकते हैं, ना भी छाने तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं इसे मिक्सिंग बोल में निकाल रही हूँ और अब मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो यहाँ मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, ऑयल हमें 1 चम्मच से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करूँगी और इसे मिक्स करते जाऊँगी ताकि हमारा एक बहुत ही स्मूथ सा बैटर बनकर तैयार हो जाए। तो अभी मैंने आधे कप से ज़्यादा दूध यूज़ कर लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रूट सॉल्ट या इनो। आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस इनो के ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा दूध और अब इसे हमें फिक्स से अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब जो बचा हुआ हमारा दूध है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ टोटल मैंने 1 कप दूध इसमें ऐड कर दिया है और पूरा दूध डालने के बाद हमारा बहुत ही स्मूथ सा, ये देखिए, इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बनकर तैयार हो गया है। और अब मैं इस बैटर को केक टिन में डाल रही हूँ। तो यहाँ मैंने बैटर पूरा केक टिन में डाल दिया है और इसे 1-2 बार हमें इस तरीके से टैप कर लेना है ताकि इसमें जो भी एयर बबल्स हो वो निकल जाए। तो कुकर भी हमारा यहाँ प्रीहीट हो चुका है, तो बहुत ही सावधानी के साथ हमें इसे कुकर में रख देना है केक टिन को, और बस इसे कवर करके बेक होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ करीब 25 से 30 मिनट इसे बेक होने में लगेंगे। टाइमिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, गैस की फ्लेम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ करीब 30 मिनट के बाद हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो चुका है। तो एक बार हम इसे चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं इसमें टूथपिक इंसर्ट करके देख रही हूँ, ये देखिए बिल्कुल क्लीन टूथपिक निकली है। तो हमारा केक बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ मैं इसे थोड़ा ठंडा होने दूँगी, ठंडा होने के बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ केक हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो चाकू की हेल्प से आप इसके कॉर्नर्स को लूज़ कर सकते हैं, इससे हमारा केक बहुत ही आसानी के साथ डीमोल्ड हो जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट केक है, जिस तरीके का केक हम कोको पाउडर और मैदे से बनाकर तैयार करते हैं बिल्कुल वैसा ही सॉफ्ट स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। तो मैंने तो इसे इस तरीके से डेकोरेट किया है, आप अपनी इच्छा से इसे चॉकलेट गनाश के साथ, विप क्रीम के साथ, जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो आप भी इस सिंपल और इजी बॉर्नविटा केक की रेसिपी को बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।